अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का कंसेप्ट क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, डेटाबेस को आप सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब कि आपके पास अगर डेटा का कलेक्शन है और वो ऑर्गेनाइज्ड है तो उसको आप कह सकते हैं कि डेटाबेस। देखो, डेटाबेस में होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर या फिर कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को किस तरह से सेव करते हैं, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में। ये जो आप कह सकते हैं वर्टिकल फॉर्म में होता है, ये कहलाती है हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है, ये कहलाती हैं हमारे पास रोज। रोज और कॉलम्स के बीच में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। कैसे, देखो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है। एज ए एग्जांपल हम यहाँ पर डेटाबेस बनाते हैं। स्कूल में हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, उनके रोल नंबर्स होते हैं, उनकी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। अब उसमें किस तरह से नाम सेव किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का नाम है ए, उसका रोल नंबर है 1, एक स्टूडेंट का नाम है बी, उसका रोल नंबर है 2, और फॉर एग्जांपल इनका एड्रेस है XYZ, इनका एड्रेस है PQR। तो ये क्या है हमारे पास, इसको आप क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस में हमेशा जितना भी डेटा होता है वो रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में सेव किया जाता है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस की डेफिनेशन आप मुझे बताएं, तो उसको आप यही कहेंगे कि डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा ऐसा जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में सेव हो। उम्मीद करती हूँ आपको डेटाबेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।